Hello students, in the previous video we have studied lesson number 1.3, Let's Speak. Now in this video we will study about lesson number 1.4, Story Time, Yash and Moti. Okay, now what is this Yash and Moti? ये यश और मोती क्या है? ओके, हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, यश और मोती की हम अब स्टोरी समझेंगे. यश एक बॉय है, मोती एक डॉग है. ओके, अब देखो, यश वॉज हैप्पी. हिज मदर बॉट हिम न्यू शू. ठीक है, शूज. अब यश बहुत हैप्पी है. यश कौन है? ये यश है. ओके, यश बहुत ज़्यादा ही खुश है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए नया शूज़ ख़रीदा है. ठीक है, ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो जल्दी से अपने मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ गया. ही वेंट आउट टू लुक एट हिज न्यू शूज़. वो बाहर गया और अपने नए शूज़ को देखने लगा. ठीक है, ओ नो ही क्राइड. वो रोने लगा. उसने वो जैसे ही सुबह उठा और फिर बाहर गया, फिर उसने देखा शूज़ को, फिर वो बोला ओ नो, ये क्या हुआ, फिर वो रोने लगा. ठीक है, देयर इज़ ओनली वन शू हेयर. ये इधर सिर्फ एक ही शूज़ है, दूसरा शू किधर है? वेयर इज़ माई अदर शू. वो रो रो के बोलने लगा कि मेरा दूसरा शूज़ कहाँ है, शू कहाँ है, मेरा दूसरा शू, ऐसे बोलने लगा. ही लुक्ड एवरीवेयर. वो हर जगह देखा कि मेरा दूसरा शू कहाँ है. ठीक है, अब दूसरा पैरा हम लोग पढ़ते हैं. ही कुडेंट फाइंड इट. ही सेट आउटसाइड ऑन द स्टेप एंड सॉक्ड. जस्ट देन मोती केम एंड स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल. ही बैग्ड. अब फिर वो अपने शूज़ को नहीं ढूंढ पाया तो अपने आउटसाइड के जो उसके बाहर घर के बाहर जो सीढ़ियाँ था उस पर बैठ के वो रो रहा था. ठीक है, फिर वो जब तुरंत ही मोती आया. कौन आया? मोती. देखो, उसका डॉग था वो. मोती आया तुरंत ही और वो ये अपने टेल को ऐसे हिलाने लगा. देखो टेल को कैसे हिला रहा है मोती. देखो टेल को अपने हिलाने लगा, फिर वो भौंकने लगा. भाओ वाओ, भाओ वाओ. ओके, वो भौंकने लगा भाओ वाओ. ओके, यश लुक्ड एट मोती. यश ने मोती के तरफ देखा. मोती हैव यू सीन माई शू. मोती, क्या तुमने मेरा शू देखा? चलो अब हम लोग ये जो ये बाकी का बचा हुआ पैरा है वो दूसरे वीडियो में सीखेंगे. पहले मैं आप लोग को आपका होमवर्क बता देती हूँ क्या है. ये होमवर्क देखो, ये जो मैंने हार्ड वर्ड्स दिए हैं, हैप्पी, मदर, बॉट, शूज़, मॉर्निंग, अर्ली, क्राइड, लुक्ड एवरीवेयर, कुडेंट और आउटसाइड, सोप्ड, स्टार्टेड और वैगिंग, बाग्ड, लुक्ड, मोती, ये सब जो मैंने हार्ड वर्ड्स दिए हैं आपको लिखने हैं 2 टाइम. और जो ये जितना पैरा सिखाया है आपको, ये एक पैरा, ये दूसरा पैरा, ठीक है, ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है. ओके, चल ओके, ठीक ठीक है, थैंक यू.